तो हे गाइस, मैं आपका दोस्त अभिषेक गुप्ता एक बार फिर नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। तो मैं अभी सो के उठा हूँ, तो फ्रेश व्रेश होके एक साथ नहा धो के रेडी होता हूँ, क्योंकि आज मुझे बाहर जाना है। मैंने बैग पैकिंग तो कर ली है, तो चलो मिलते हैं। अभी मैं नहा धो के रेडी हूँ चलने के लिए, बस ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। ब्रेकफास्ट में अचार है, चाय है और पराठे हैं, दो पराठे खा के चलते हैं के लिए रेडी हैं। हम थोड़ा बीच में रुके हैं क्योंकि चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी हरियाली है यहाँ, चारों तरफ खेत ही खेत है। देखिए चारों तरफ खेत ही खेत, हम पहुंच चुके हैं। मैं यहाँ अभी अपना आपको डॉक्टर को दिखाना आया था क्योंकि मैं यहीं एडमिट था। अभी डॉक्टर साहब नहीं आए हैं, देखते हैं आप रिपोर्ट करा के फिर क्या बोलते हैं, देखते हैं। जब तक डॉक्टर साहब ना आए एक एक कप चाय पी लेते हैं। फिलहाल हमें रूम दे दिया है, डॉक्टर साहब आते हैं और ब्लड सैंपल भी ले लिया है, देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है। जो भी आएगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ जो मुझे भी रूम दिया है। ये देखिए रूम, रूम तो काफ़ी अच्छा है। इधर बाथरूम है, ये बाहर खिड़की। काफ़ी टाइम हो गया है, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। अभी लगभग 1:30 बज गया है, लगभग नहीं 1:30 बज गया है। और आज इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच भी है, तो जितने रिपोर्ट आती है इतने मैच ही देख लेते हैं, क्योंकि तो इंडिया का मैच जीतना काफ़ी ज़रूरी है। तो हम इंडिया की सपोर्ट में मैच देखने के लिए रेडी हैं। रिपोर्ट आते ही हम आपको बताएंगे कि रिपोर्ट में क्या आया। मैं यहाँ रहना है, जाना है, डॉक्टर ने क्या बोला सब बताएंगे। 3 बज गए हैं और रिपोर्ट भी आ गई है ब्लड टेस्ट की, उसमें अभी रिपोर्ट सही नहीं आई। इस कारण डॉक्टर साहब ने कहा है कि अभी आपको 1-2 दिन यहीं रहना पड़ेगा, कभी ज़्यादा दिक्कत हो जाए तो। अब 1-2 दिन के लिए यहीं एडमिट कर लिए हैं, देखते हैं कब छुट्टी होती है। लेटना यहाँ भी है, घर भी है, यहीं लेट जाएं। तो यदि आपने मैच नहीं देखा तो मैच देखा आपने, इंडिया ने जिम्बाब्वे के सामने 186 रन का स्कोर खड़ा कर दिया है, जिसमें कि सूर्य कुमार आज फिर चमके कुल 25 गेंद पर 61 रन बनाकर। अब देखते हैं जिम्बाब्वे कितनी देर टिकती है इंडिया के सामने, आप भी मैच का मजा लीजिए। और फाइनली गाइस, इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है 71 रन से जीत कर। तो अब देखते हैं सेमीफाइनल में किससे होता है और मज़ा लेंगे। खाना खाकर बाहर घूमने आए हैं, मतलब वैसे घूमने नहीं आए हैं, किसी काम से ही आए हैं। हमने खाना भी खा लिया है, अब सोच रहे हैं कि मूंगफली भी लेते हुए चलें, थोड़ी सी रूम में बैठ के मूंगफली भी खा लेंगे। तो गाइस, अब रात की दवाई लगा दी गई है मेरे, और तो आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे से लोग देखते रहिए, क्योंकि आगे हम अच्छी अच्छी जगह घूमने जाने वाले हैं।